एवरीवन आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये प्रेजेंट का फोर टाइप ऑफ टेंसेस है फर्स्ट में हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस देन प्रेजेंट पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे जाने कि वट डू यू मीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता क्या है प्रेजेंट मतलब काम अभी चल रहा है नहीं, और परफेक्ट यानी कि हंड्रेड परसेंट कोई भी काम हंड्रेड परसेंट हो रहा है और कॉन्टीन्यूस यानी लगातार कॉन्टीन्यूस यानी लगातार कोई काम हो रहा है यानी कि अभी हो रहा है और परफेक्ट यानी कि बिल्कुल श्योर हंड्रेड परसेंट काम चल रहा है कंटिन्यू यानी कीप ऑन गोइंग अभी लगातार चल रहा है तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे अपर में टीम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज यूज टू इंडिकेट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास टाइम यानी कोई काम थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था वो अभी भी चल रहा है अभी भी वो काम कीप ऑन गोइंग यानी कंटिन्यू चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज यूज टू इंडिकेट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट यानी अभी भी वो प्रेजेंट मोमेंट में दैट वॉक इज कंटिन्यू नॉट कम्प्लीटेड है ना इट इज स्टार्टेड बिफोर सम टाइम थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ था फास्ट टाइम में शुरू हुआ था और वो प्रेजेंट टाइम में अभी भी चल रहा है फिर ये सेकेंड है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूसनेस यूजअली स्ट्रेस्ड अमाउंट ऑफ टाइम दैट एंड एक्शन हैज बीन टेक प्लेस इसमें अमाउंट ऑफ टाइम भी डेनोट होता है अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि टाइम जरूर दिया हुआ होता है यही तो डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी कोई काम कंटिन्यू होता है लेकिन और इसमें भी कंटिन्यू होता है लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसमें कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं होता है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन किया जाता है अमाउंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो भी कहें वो मैंशन होता है जिसमें कि हम सिंस और फार का यूज करते हैं डेफिनेट होता है तो सिंस इंडेफिनिट होता है तो फॉर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजली स्ट्रेस अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्शन हैज बीन प्लेस एग्जाम्पल है ही हैज बीन राइटिंग सिंस टू पी एम ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस टू पी एम वो दो बजे से लिख रहा है यानी लिखने का काम चल रहा है यानी दो बजे से लिख रहा है यानी काम थोड़ी देर पहले शुरू हुआ होगा ना और वो अभी भी अभी कंटिन्यू यानी लिखने का काम अभी भी चल रहा है और ये टू पी एम है क्योंकि यहाँ पे ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी अमाउंट ऑफ द टाइम जो क्या है डेफिनेट है तो सिंस सिलूज है आई हैव बीन सिंगिंग फॉर टू आवर्स मैं दो घंटे से गा रहा हूँ यानी गाने का काम थोड़ी देर पहले चालू हुआ होगा ना अभी भी दैट इज़ कीप ऑन गोइंग यानी अभी भी चल रहा है गाने का काम बी हैव बीन वॉकिंग सिंस फोर पी एम मैं फोर पी एम यानी शाम को चार बजे से वॉक कर रहा हूँ यानी अभी भी काम कम्प्लीट नहीं हुआ है थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ था और वॉकिंग का काम अभी भी चल रहा है यानी की पन वॉकिंग अभी भी वो वॉक कर ही रहा है ही हैज ट्रैवलिंग फॉर टू आवर्स वो दो घंटे से ट्रैवलिंग कर रहा है यानी वो ट्रैवल करने का काम थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था अभी भी वो काम

इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर थ्री आवर्स यानी बारिश हो रही है तीन घंटे से यानी बारिश होने का काम अभी भी चल रहा है थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई है इसकी एक एक हम नॉर्मली स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट बर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये एक स्ट्रक्चर होती है अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो होता ही है इसमें क्या करेंगे ये जो मेन बर्ब है इसमें हम क्या लगाएंगे आईएनजी क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है यू ऑलरेडी नो इन आल कॉन्टीन्यूस टेंसेस बी ऑलवेज यूज विथ दैन बर्ब आई एन हमेशा मेन बर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो कॉन्टीन्यूस टेंस है तो आईएनजी तो लगेगा अब यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के बाद क्योंकि पता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले लगती है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इन्हें हेल्प करने के लिए होती है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे हैच और है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस तब यहाँ परफेक्ट है वैसे तो परफेक्ट वित्तरी होता है लेकिन यहाँ पे हमें वित्तरी से ज़्यादा हमको किसको प्रायोरिटी देनी continuous है है कॉन्टीन्यूअस ज़्यादा शीनियर इसलिए हम यहाँ मेन मेनबर्व में आईएनजी लगाएंगे ना कि वित्तरी लगाएंगे तो इस तरह से ये मैनबार में आईएनजी लगेगा अब ये परफेक्ट का कहना है कि यहाँ पे verb का थर्ड फॉर्म होना चाहिए तो ये हेल्पिंग verb परफेक्ट की बात को रखने के लिए हम हेल्पिंग verb के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं और हम किसका यूज करते हैं बीन का बीन का यूज करते हैं क्योंकि ये जो बी होता है ना बी इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉज और थर्ड फॉर्म होता है बीन तो इस तरह अब परफेक्ट है तो बस परफेक्ट की बात को रखने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज हेब है के बाद क्या ऐड करेंगे बीन बीन ऐड कर देंगे फिर मेन वर्ब में, में आई एन जी और ऑब्जेक्ट एन अदर वर्ड तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन मेन वर्ब में, में आई एन जी ऑब्जेक्ट एन अदर वर्ड हैज हैब के बाद हम बीन लगा देंगे बी जो कि बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन तो परफेक्ट को को खुश रखने के लिए हमने बीन भी लगा दिया और इधर मेन वर्ब में, में आई एन जी भी लगा दिया इस तरह से हैज है बीन अब इसमें क्या है कि ही सीट जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ हमें हैज बीन लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है? बीन जैसा अभी हम हैज हैव लगाते थे ना इन द सेम वे विद द प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे बी यूज बीन इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस प्लस बीन मेन बर में आई एन जी ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड ये एग्जाम्पल इट हैज बीन रेनिंग फॉर थ्री आवर्स इट हो गया सब्जेक्ट हैज हो गया हेल्पिंग वो और बीन हैज बीन ये पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है रेन जो एक्शन वर्मा आई आईएनजी लगा दिया फॉर थ्री आवर्स क्योंकि ये जो रेफरेंस ऑफ द टाइम है ये क्या है इनडेफिनेट है थ्री आवर्स तीन घंटे से बारिश हो रही है यानी ये नहीं पता कि कब से कब तक बारिश हो रही है है ना अभी अभी तीन घंटे यानी सिक्स ओ से नाइन ओ तक बारिश हो रही है या नाइन ओ से ट्वेल्व ओ तक बारिश हो रही है यानी अभी ड्यूरेशन ऑफ टाइम कुछ फिक्स ही नहीं है बस तीन घंटे कौन से तीन घंटे इट इज़ नॉट क्लियर तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2003 वो 2003 से लेकर के अब तक फुटबॉल खेल रहे हैं यानी उनका खेलने का काम कंटिन्यू बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं तो इसमें सेशन दिया है यानी एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि 2003 से यानी एक पर्टिकुलर सेशन का नाम दिया है फिर राधा बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस 2008 राधा 2008 से इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रही है यानी वो तब से लेकर के अब तक उसका काम चल रहा है प्रैक्टिस कर ही रही है तो यहाँ पे भी ये फिक्स है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज है नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ पर हम सिंस का करेंगे और कहाँ पर हम फार का यूज करेंगे ये हम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ पर सिंस का यूज करेंगे कहाँ पर फॉर का यूज करेंगे पहले हम देखते हैं फॉर का यूज फॉर इज़ यूज टू टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम आई ऑलरेडी टोल्ड यू अमाउंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम कुड बी जैसे कि सेकेंड इतने सेकेंड से और से यानी थ्री और से टू मंथ से फाइव मिनट से यानी ये, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है यानी इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है तो ये केवल स्पेसिफाइड टाइम है तो आवर्स मंथ मिनट ये इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज होगा ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि डेज जितने दिनों से वो फाइव डेज से स्कूल नहीं आ रहा है ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर फाइव डेज तो यहाँ पे ये डेफिनेट नहीं होता है तो हम फॉर का यूज करते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी सम एग्जैक्टली बताया गया होता है पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेट होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं सिंस एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एज मिड वो आधी रात से ऐसा कर रहा है मिड तो हम सिंस मिड नाइट सिंस टू थाउजेंड एट सिंस लास्ट संडे सिंस लास्ट नाइट जैसे एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन लिविंग हीस टू थाउजेंड एट तो वो ही हो गया सब्जेक्ट हैज बीन हेल्पिंग बॉ लिव मैनबर्न में, में आई एन जी लगाया सिंस टू थाउजेंड एट तो ये टू थाउजेंड एट जो सेशन है ये क्या है एग्जैक्ट सेशन बता रहा है कि वो यहाँ पे टू एट से रह रहा है तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज है तो सिंस का यूज हम कहाँ पे करते हैं जैसे कि लास्ट संडे है टू थाउजेंड टेट है कोई सेशन है मिड नाइट है इस तरह से इन सब के लिए हम सिंस का यूज करते हैं सी हैज बीन फाइंडिंग हर सूच सिंस मॉर्निंग सी इज द सब्जेक्ट हियर हैज बीन हेल्पिंग वो फाइंड एक्शन भर में आई एन जी लगाया हर सूच ऑब्जेक्ट सिंस ये रेफरेंस ऑफ द टाइम सिंस मॉर्निंग तो वह अपना सूज सुबह से ढूंढ रही है तो यहाँ पे भी मॉर्निंग जो कि एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है एग्जैक्ट मॉर्निंग से रेफरेंस ऑफ द टाइम यहाँ पे डेफिनेटली इसलिए मॉर्निंग यू हैव बीन सॉल्विंग दिस सम सिंस मॉर्निंग तुम सुबह से अपना सम सॉल्व कर रहे हो इस तरह से ये क्लियर हो गया होगा कि हम सिंस और फार का कैसे यूज करते हैं हम देखेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में नेगेटिव का मतलब जैसे ना होता है नेगेटिव मतलब नाट यानी नाट लगेगा सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगेगा हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन ऐसा नहीं कि हैज़ बीन नाट ना हैज और बीन के बीच में नाट लगेगा हैज नॉट बीन और हैव नाट बीन देन वर्ब में आई एन जी ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड बाकी सारी की स्ट्रक्चर वही रहेगी वही की वही रहेगी जैसे हम नॉर्मली स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर होता है तो इसमें हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही ये मेन वर्ब है तो इसमें हमने आई एन जी लगा दिया क्योंकि कंटिन्यूस है फिर हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हम अफॉर्मेटिव में लगाते थे हैज बीन और हैव बीन अब इसमें हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन तो हैज हैव देन नॉट देन बीन इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन बर्मी आई एन जी ऑब्जेक्ट इन अदर वर्ड ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई एग्जाम्पल दे हैव नॉट बीन लिविंग सिंस सेवेंटी एट यदि हम अपन में ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि दे हैव बीन दे हैव बीन लिविंग हीयर लिविंग हीयर सिंस 1978 ऐसा होता लेकिन इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो दे हैव और हैव और बीन के बीच में नाट लगा दिया तो दे हैव नॉट बीन लिविंग हीयर ये हो गया दे हैव नॉट बीन लिविंग हीय सिंस 1978 इसी तरह ये आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स यदि फॉर्मेटिव में होता तो क्या होता कि I have been playing for two hours. I have been playing for two hours. मैं दो घंटे से खेल रहा हूँ अब इसे हमने नेगेटिव में हमें कन्वर्ट करना है तो हैव और बीन के बीच में हम क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर टूअर्स राधा हैज नॉट तो बीन प्रैक्टिसंग इंग्लिश टू थाउजेंड टेट था 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 यदि हम इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखते तो होता कि राधा हैज बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस टू थाउजेंड एट ये नाट नहीं लगा होता तो इसे हम जब नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो राधा हैज बीन हैज और बीन के बीच में हमने क्या लगा दिया नाट तो राधा हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश टू थाउजेंड एट फिर सी हैज नॉट बीन ट्रेवलिंग फॉर थ्री थ्री वीक्स यदि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होता तो क्या होता कि सी हैजीन ट्रेवलिंग फॉर थ्री वीक्स वो थ्री वीक्स से ट्रेवल कर रही है तो इसको हमने नेगेटिव में किया तो हैज़ नॉट बीन इट हैज नॉट मंडे मंडे से बारिश नहीं हो रही है यदि ये पॉजिटिव होता तो होता कि इट हैज रेनिंग इसे नेगेटिव में चेंज किया तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मंडे इसी तरह इंटरोगेटिव है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सबसे पहले सेंटेंस की बिगनिंग में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में देखा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं सब में ही ऐसा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है और हैव लिखेंगे फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर मेन वर्ब में आई एन जी देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस हम हैज हैव लिखेंगे फिर सब्जेक्ट फिर बिन ऐसा नहीं कि किज बिन बिन हम एक साथ बिगनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ही लिख दें सबसे पहले हम हैज हैव लिखेंगे फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर मेन वर्ब में आएंगी फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि दे हैव नॉट बीन लिविंग ईयरटीन सिंस 1978 इसे हम जब इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हैव दे बीन हैव पहले आ जाएगा फिर सब्जेक्ट आएगा ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है जो हमने लिखी है ऊपर हैव फिर सब्जेक्ट क्या हुआ दे फिर बीन तो हो गया हैव दे बीन है आई एन जी हो गया हियर सिंस ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम रेफरेंस ऑफ टाइम सिंस नाइनटीन सेवेंटी एट क्वेश्चन मार्क हैव दे बीन लिविंग ईयर सिंस नाइनटीन सेवेंटी एट क्या वो यहाँ नाइनटीन सेवेंटी एट से रह रहे हैं क्वेश्चन मार्क सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स मैं दो घंटे से नहीं खेल रहा हूँ इसको हम जब इन डोविटिव में चेंज करेंगे तो ये जो हेल्पिंग बर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले हम ले आएंगे हेल्पिंग बर्ब को तो हो जाएगा हैव आई बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स ये हो जाएगा हैव आई के साथ हैव लगता है यू ऑलरेडी नो ही सीट किसी नेम के साथ है जाइवी यू दे के साथ हैव तो हैव आई बीन प्लेइंग फॉर टू टूअर्स फॉर टू ऑर्स क्वेश्चन मार्क हैव आई बीन प्लेइंग फॉर टू टूअर्स फिर राधा हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस 2008 नेगेटिव में है तो नाट लगा इसे इंटरगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कि हैज पहले आ जाएगा हैज फिर सब्जेक्ट राधा फिर बीन फिर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश बाकी एजेटिव सबका वही का वही आ जाएगा तो हो जाएगा हैज राधा बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस 2008 क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा He has राधा बीन has क्योंकि किसी का नाम इसलिए हैज का यूज है। हैज राधा बीन Practicing इंग्लिश प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस 2008 थाउजेंड एट क्वेश्चन मार्क इस तरह से ये इसका इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे फिर लास्ट एग्जांपल है कि सी हैज नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर थ्री वीक्स तो इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हैज पहले आ जाएगा हैज सी बीन ट्रैवलिंग फॉर थ्री वीक्स क्वेश्चन मार्क इस तरह से ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर हो गया यदि अफर्मेटिव का बन जाएगा तो नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना सोईजिए Okay, I hope you are able to understand. Thanks for watching my video.